महापौर मालती राय ने किया विसर्जन घाटों का निरीक्षण। घाटों की जल्द से जल्द सफाई किए जाने के दिए दिशा निर्देश। महापौर ने भी की घाटों की सफाई। दुर्गा विसर्जन के बाद घाटों की साफ सफाई को लेकर महापौर मालती राय ने राजधानी के विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। समय जगत से चर्चा करते हुए महापौर ने बताया कि विसर्जन घाटों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द इसकी साफ सफाई हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विसर्जन घाटों और अन्य तालाबों में किसी भी तरह की गंदगी न रहे, इसके लिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विसर्जन घाटों से एकत्रित हुए कचरे को एकत्रित कर खाद्य बनाया जाएगा। महापौर ने शहर के करीब 7 घाटों का निरीक्षण किया और उन्होंने भी घाटों की सफाई की। दुर्गा विसर्जन के बाद अब घाटों की साफ सफाई को लेकर महापौर मालती राय जी खुद निरीक्षण करें। आप देख सकते हैं कि जो घाट है, जो कमलापति घाट है, यहाँ पे खुद महापौर ने यहाँ पे जो कर्मचारी है निगम के उनसे चर्चा की और जो सफाई जहाँ से तुरंत हो सके, जिस तरह से जो गणेश चतुर्थी पर जो खामियां घाटों पर दिखी थी, ऐसे में नवरात्रि के जो विसर्जन हुआ देवी का, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पूरा शहर स्वच्छ रहा, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा भी मैडम लगातार चल रहा है। आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया घाटों का दुर्गा विसर्जन। मेरा प्रयास है कि 7 जगह भोपाल में दुर्गा विसर्जन हुआ है और निश्चित ही आज दिन भर के अंदर अंदर सारे तालाब की और जो घाटों पर विसर्जन के समय फूलमाला हो या हमारे जवारे हो, जो भी ठंडे हुए हों, वो सब सफाई हो जाए उस एरिए की। इसलिए मैं खुद ही निरीक्षण करने आई हूँ और यहाँ कर्मचारियों को, निगम के कर्मचारियों से भी चर्चा की है और उनको निर्देश भी दिए हैं कि दिन भर के अंदर ये कंप्लीट करवाना ही है। आपने खुद स्वयं यहाँ पर साफ सफाई की? जी, मेरा भी दायित्व बनता है कि निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर मैं, हमारे MIC मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ स्वच्छता में भाग लिया है और उन्होंने भी झाड़ू लगाकर सफाई करवाई है। तो मैम जी, बड़ी संख्या में जो कचरा एकत्रित होता है तो इसका किस तरह से उपयोग होगा, इसके लिए क्या कोशिश? अलग अलग क्षेत्रों में रिसाइकिल होने जाता है। जैसे पूजा पाठ की सामग्री अलग जाएगी, वो रिसाइकिल होकर खाद वगैरह बनाने के लिए उपयोग करेगी। ये आप बांस दिख रहे हैं, जितना स्ट्रक्चर आया है मूर्तियों का, ये हम अलग करते हैं ताकि हम इसका भी रिसाइकिल करके उपयोग कर सकें। तो ये थी हमारे साथ महापौर, जिन्होंने पूरे जो घाट है शहर के साथ जहाँ पे दुर्गा विसर्जन हुआ है वहाँ का लगातार निरीक्षण करके तुरंत से तुरंत इसकी साफ सफाई हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए और उन्होंने भी स्वयं झाड़ू लगाकर घाट की सफाई की। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी, समय जगत, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।